नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। रोब, रुआब और रुतबा। जनाब, जब ये किसी पर हावी होता है तो फिर कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, बस जैसा चाहे वैसा कीजिए। कोई रोकने वाला भी नहीं, कोई टोकने वाला भी नहीं। दरअसल कुछ ऐसी ही तस्वीर आज नजर आई राजधानी जयपुर में। सूबे की राजधानी जयपुर में आज सुबह कुछ ऐसा हुआ कि साहब आप भी हैरान रह जाएंगे। और यहां जो भी कुछ हुआ उसने सभी नियम कायदों को भी ताक पर रख दिया। पुलिस के कानून तोड़ डाले, पुलिस का रुआब तोड़ डाला और फिर छीन ली गई एक परिवार के लाडले की जिंदगी। यूं तो हर शख्स की जिंदगी काफी भागदौड़ वाली है, लेकिन जयपुर की दो युवतियों की जिंदगी तो शायद इतनी तेज भाग रही थी कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। और उनकी लग्जरी कार तो उनकी सोच से भी तेज दौड़ रही थी। और लग्जरी कार की इसी दौड़ ने आखिरकार एक बेकसूर युवक की जान ले ली। किसी की जिंदगी लेना आखिरकार कितना आसान हो जाता है, आज जयपुर में बस उसी की तस्वीर नजर आई। क्योंकि यहां भी दो युवतियों ने हवा से बात कर रही अपनी लग्जरी कार से एक युवक को कुछ इस कदर हवा के हवाले किया कि वो युवक करीब 100 फीट से ज्यादा उछला और पुल के नीचे बने घरों की छत पर जा गिरा। हस्र क्या होना था आप भी समझ सकते हैं। अब यहां आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के वाक्य तो होते ही रहे हैं। तो जनाब, आपको यह भी बता दें कि यहां रोब, रुआब और रुतबे की बात भी क्यों हो रही है। दरअसल ये जिस कार ने युवक की जिंदगी को छीन लिया वो जयपुर के सोनी अस्पताल के नाम से रजिस्टर्ड बताई गई है। और चर्चा ये भी है कि उस मौत वाली कार को चलाने वाली युवती नेहा सोनी भी उसी अस्पताल परिवार से ताल्लुक रखती है। अब बताते हैं आपको दूसरी तस्वीर के बारे में। चर्चाएं यहां ये भी है कि इस घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन उस मौत वाली कार को चलाने वाली युवतियों को बाकायदा इज्जत के साथ एक निजी कार में ही अपने ठिकाने पर ले जाया गया। जाहिर है कि फिर किसी में भी खाकी का खौफ तो होना ही नहीं। चर्चा ये भी है कि शहर पुलिस के मुखिया ने भी पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है, मामले की जांच कर रहे अधिकारी से भी पूछताछ की है। लेकिन मुद्दा यही कि आखिर अब होगा क्या। जो युवक मौत देने वाली कार की चपेट में आया वो तो बेचारा अपनी नौकरी की शुरुआत करने यानी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पाली से जयपुर पहुंचा था, लेकिन वो अपनी परीक्षा दे पाता इससे पहले ही जिंदगी ने ही उसकी परीक्षा ले ली। अब मुद्दा ये कि आखिर उस बेरोजगार युवक के परिवार का क्या होगा। मौत वाली कार को दौड़ाने वाली युवतियों को क्या कानून कोई सजा देगा। सवाल ये कि आखिर सुबह करीब 8 बजे 100 से 150 की रफ्तार पर अपनी ऑडी कार दौड़ाने वाली युवती को इतनी जल्दबाजी क्या थी। जनाब, शहर में ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, शहर में कैमरे भी लगे हैं और एलिवेटेड रोड पर आखिर इतनी रफ्तार से कार दौड़ाने की इजाजत भी किसने दी। बस जनाब, सब रोब, रुआब और रुतबे का ही कमाल है। जिसकी जिंदगी छीनना चाहो छीन लो, बाद में तो होना भी क्या है। 2 दिन खबरों में ये वाक्या रहेगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। कुछ इसी तरह जिस तरह पाली का युवक माडाराम जयपुर में शांत हो गया। नमस्कार।